मारा कैसे ना रे तुमसे कप्तान, नए हथियारों के साथ मचाएंगे मुजफ्फरनगर में भौकाल। हे गाइज व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज का ब्लॉग बिल्कुल ही स्पेशल है। आज आपने अगर भौकाल 2 देखी हो सीरीज एम एक्सप्लेयर की, तो गाइज उसके जो विलन है पिंटू ढेड़ा है, जिनका असली नाम प्रदीप नागर है, हम उनसे मिलने आए हैं आज। तो गाइज आज मतलब बिल्कुल ही स्पेशल सा ब्लॉग लग रहा है मेरे को ये, क्योंकि मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त भी आया है, जो स्कूल का दोस्त है वो मेरा। तो गाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है, इसका नाम देव शर्मा है। तो गाइज मैं इसके साथ ही आया था, इसी ने बात करी थी प्रदीप नागर जी से। तो गाइज अब हम यहाँ पे आ चुके हैं बिल्कुल ही, कौन सा सेक्टर है भाई ये? ग्रेटर नोएडा है, सदल्लूपुरा गांव है ना। तो गाइज अभी हम ट्रेन से आए हैं, बिल्कुल ही मतलब एक्सपीरियंस बहुत जहर रहा। बाकी अब हम यहाँ आ चुके हैं और हम जाएंगे अब वहाँ पे, अब उनके घर पे। तो आपको रास्ता दिखा देता हूँ, वैसे कैसा है यहाँ का रास्ता देखो गाइज, बिल्कुल ही खेत ही खेत है यहाँ पे। ये सामने सड़क जा रही है, अभी एक सेकेंड, ये देखो गाइज बिल्कुल सामने सड़क जा रही है, ये रही। और गाइज बिल्कुल ही हरियाली हरियाली है। और ये रहे हमारे दोस्त देव शर्मा। तो भाई कुछ कहो हमारे सब्सक्राइबर्स से। बस भाई प्यार देना अपना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और व्यूज़ अच्छे आने चाहिए भाई। हाँ आएंगे, ज़रूर आएंगे भाई, टेंशन मतलब ज़रूर आएंगे व्यूज़ तो, और आपका प्यार चाहिए बस हमें। बता दीजिए श्री राधे राधे। अब गाइस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, चल रहे हैं धीरे 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 जा रहे हैं। अब बाकी आप मेरे को बताओ, क्योंकि ये माइक के साथ माइक मैंने बाय करा था, आपको अनबॉक्सिंग वीडियो देखी होगी आपने मेरे चैनल पे ही, तो आप इसका रिव्यू बताओ कि कैसा लग रहा है। आउटसाइड आके पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बताओ कि कैसी साउंड आ रही है, कैसी क्वालिटी आ रही है। और अगर आपको इस माइक की अनबॉक्सिंग देखनी है ना, तो इस चैनल में मैंने डाल रखी है, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं लिंक भी बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, मैंने जो गियर्स यूज़ करे हैं मैं, तो उस चीज़ का मैं लिंक दे दूँगा। बाकी इसे आगे चलते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। तो गाइस देखो हमें अभी क्या व्यू मिला, देखो कितना प्यारा है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से, मज़ा आ गया मतलब बिल्कुल ही। एक बार देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो गाइस बिल्कुल ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है देव भाई, बहुत अच्छी भाई। हाँ बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, व्यू भी बहुत अच्छा है। अभी हम जाते हुए एक सेकेंड, अभी हमने यहाँ से जाते हुए यहाँ पे फोटोज़ भी क्लिक कराएंगे, और अगर आपको वो फ़ोटोज़ देखनी हो तो मैं इसका और अपना इंस्टाग्राम का हैंडल दे दूँगा, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो वहाँ पे, को डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ यूज़र नेम भी शो हो जाएगा, पॉपअप हो जाएगा। तो गाइज आप हमें फॉलो कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है ना। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो अभी ना हम मतलब थोड़ा सा आगे आए थे उस वाली लाइन से, तो हमने एक अंकल जी से पूछा कि अंकल जी किस तरफ है वो प्रदीप नागर जी का घर है, जिन्होंने अभी शूटिंग करी है, वो पहचान गए एकदम भाई साहब, ये होता टोरा, मज़ा आ गया सुन के हैं। और भाई वो छोड़ने आ गए, मतलब इससे हमें मतलब क्या लगा कि गाँव के लोग भाई बहुत ही सही होते हैं। अभी एक आंटी से हमने कहा, आंटी हाथ धोने का नल कहाँ पे है, उन्होंने भाई पानी ला के हमारे हाथ धुलवा दिए हैं, काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के लोग, है ना। तो अब बस यहाँ से चल रहे हैं, और बाकी वैसे एकदम मन के अंदर क्या हो रहा है, धक धक हो रहा है बिल्कुल, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं ना हम पहली बार भाई। हमने मतलब इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, मेरी तो हुई नहीं, इसी की हुई थी, है ना। तो उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया था कि 4 बजे आ जाना आप, ज़रूर मिलूंगा मैं आपसे भाई, इतना मतलब अच्छा नेचर बंदा, इतना उठ गया है और फिर हमसे ऐसे बात कर रहा है, तो भाई एकदम मतलब बहुत सही लगता है। तो हम जा ही रहे हैं उनके घर, और हमें बच्चे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। आप देख सकते हैं कि शॉर्ट्स दिखा, देखो एक सेकेंड देख सकते हो आप। तो चलो हम पहुँच ही रहे हैं धीरे धीरे, चलो सही है। हाँ जी अंकल बता दो। हाँ ठीक है अंकल जी, ठीक है अंकल जी, शुक्रिया अंकल जी, नमस्कार अंकल जी। तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा भाई, गांव के लोग आधे प्यारे होते हैं, अपना काम छोड़ कर रास्ता हटाने लग गए। गाइस जैसा आप देखो बिल्कुल ही, मैं ना कभी गांव नहीं गया, ये जाता रहता है अपने गांव, है ना। तो मैं कभी गांव नहीं गया, लेकिन मेरे को यहाँ का देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि काश मैं गांव में रहता बिल्कुल खुला खुला एरिया, मज़ा आ रहा है। अब इधर को जाएंगे हम, तो चलो थोड़ी सी आगे आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ आपको एक चीज़ दिखानी थी, हम जैसे जैसे मतलब यहाँ पर आ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइज़ देखो आपको घर दिखाता हूँ मैं भाई, बहुत प्यारे प्यारे घर हैं। एक सेकेंड गाइज़ घर देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, यहाँ पर गाँव के लोगों के घर, ये देखो गाइस, एक सेकेंड देखो
देखो गाइस कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, घर भी बिल्कुल ही मतलब अनोखे अनोखे से घर हैं। अब बस अब हम धीरे धीरे आगे ही जा रहे हैं और अब पूछेंगे किसी से क्योंकि मिल नहीं रहा रास्ता, है ना। तो गाइस अभी हम यहाँ पे चल के आए हैं, तो हम उनके प्रदीप नागर जी के पुराने वाले घर की तरफ आए हैं। यहाँ पे उनके कौन कौन रहते हैं देव भाई बताओ? ताऊ जी रहते हैं अभी तो फिलहाल, ताऊ जी और दादी जी दादी जी रहती हैं, वो अंदर बैठी हुई हैं। हम देखते हैं अभी अगर उनसे मिल के आए, बाकी आपको घर दिखाता हूँ। देखो नागर डी एस नागर एडवोकेट सदुल्लापुर। तो गाइज देख सकते हो आप, ये उनका पुराना वाला घर है, ये उनकी दादी जी बैठी हुई हैं। गाइज मिल के आए क्या? चल चलो चल के मिल, चल 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 रोक वीडियो, अबे चल ना मिल के आते हैं। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी नमस्ते, वो प्रदीप नागर जी से मिलना था। अजय प्रदीप नागर जी से? सर जी प्रदीप नागर जी से। प्रदीप नागर तो वहाँ है नोएडा। नोएडा है हाँ, वहाँ से वहाँ घर इधर आ गए। हाँ जी हाँ जी, ये ना यहाँ से आप जाओगे ना इधर की गली से? हाँ जी हाँ जी, तो हमारी डेयरी है वहाँ। हाँ जी, तो वहाँ पर उसके पास आप उनके ताऊ जी हो? हाँ अच्छा जी, बैठो चाय ले लो। नहीं नहीं बस कुछ नहीं, बस थोड़ा सा क्या कहते हैं देखने आए थे सर से मिलने। चलो तो यहाँ से गली है ना। हाँ जी हाँ जी, इससे जाकर लेफ्ट हो जाना। हाँ जी ठीक है, चलो। अरे नहीं यार नमस्ते अंकल जी, ले लो चाय तो। नहीं जी बस बस, चलो यहाँ से जाकर गली है, गली से लेफ्ट। ठीक है अंकल जी। तो गाइज आपने देखा कि इनके ताऊ जी से अभी हम मिले, इनका बहुत अच्छा नेचर है, मतलब मज़ा आ गया मिल गया। तो चाय वाय की भी पूछ रहे थे बट हमने ही मना कर दिया कि क्यों तकलीफ देनी ऐसे हैं। हैं क्यों देव भाई? बिल्कुल भाई, तो गाइज अब मज़ा आ रहा है तो यहाँ काफ़ी अच्छा नेचर है सबका। हाँ जी, तो गाइज अभी हमने इनसे मिले हैं, इनके ताऊ जी और दादी जी थे अंदर, दादी जी थी और बाहर ताऊ जी थे। तो गाइज अब उनका पुराना मतलब जो नया घर बन रहा है उनका कोठी बननी है, अभी अंकल जी ने बताया था हमें, तो अब वहाँ जा रहे हैं हम। तो अब वहाँ जाके आपसे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखो गाइस बिल्कुल शांति, देखो मैं चुप होता हूँ तो फिर देखो कैसी शांति है यहाँ, है ना गाइस। देखा आपने मतलब यहाँ जो लोग रहते होंगे उनके कितने मतलब मज़े आते होंगे कि हाँ भाई कितनी ताऊ जी का नेचर और फैमिली का नेचर बहुत अच्छा लगा यार सच में, बहुत अच्छे थे उनके ताऊ जी वो। तो बस अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं, एक आंटी जी मिली थी अभी, नहीं है पीछे नहीं है, वो कहीं मुड़ गई, वो बोलनी कि आगे ही रहते हैं वो, उनके ताऊ जी जो पहले वाला घर था ना उनके घर के बराबर में ही रहती थी वो। तो अब बस धीरे धीरे करके जा रहे हैं हम उनके घर पर, तो अब चलो वहीं मिलते हैं अब आपसे, ठीक है ना। तो गाइज उन आंटी जी ने कहा था और उनके ताऊ जी ने भी कहा था कि माता रानी का मंदिर आएगा तो उसके सामने ही, अब एक बार देखो, ये देखो गाइज माता रानी का मंदिर तो आ चुका है ये वाला, और इसी के सामने वाला हमें लग रहा है, बट हम पूछेंगे एक बार, ये देखो आपको अगर दिख रहा हो तो, अभी पूछ के फिर आपसे बात करते हैं। अब बाकी ये देखो ये फ़ोटो खींच रहा है अपनी। तो गाइज देखो वो पीछे आंटी जी जा रही है ना, उन आंटी जी ने हमें रास्ता बताया था और अब हम उस तरफ फिर जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाके फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो गाइज़ फाइनली हम उनके घर पे आ चुके हैं उनका, ये देखो यहाँ बन रहा है, ये देखो देव भाई के ठाट बैठे हुए हैं, आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये जीरा मंदिर, बाकी आप ये उनका घर देख सकते हो, ये घर बन रहा है उनका, और इधर पीछे उनकी कार खड़ी हुई है और वो पीछे पूरा बन रहा है, वहाँ भैंसे भी हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हो, ठीक है ना। बाकी अभी तो गाइज अभी बस वो शादी में ही गए हुए हैं यहाँ पे, तो अंकल जी बोल रहे हैं उनके पापा जी कि अभी मैं उनको कॉल कर देता हूँ, तो मैं हमने कह दिया नहीं जी आप देख लो, उन्होंने 4 बजे की टाइमिंग दी थी हमें, बोल रहे हैं आज तो वो यहीं रहेगा, है ना। तो अब बस उनसे मिलके थोड़ी देर ऐसे बात करके आपको दिखाएंगे क्या बात करेंगे हम, बिल्कुल बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है। हाँ बिल्कुल धक धक सी हो रही है गाइस, ऐसी घबराहट सी है। अब बाकी हमें कंपनी देने के लिए यहाँ पे कोई और भी है तो आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड देखो ये हमें कंपनी दे रहे हैं भाई साहब। बस अब देखो थोड़ी देर में आते हैं वो, फिर आपको दिखाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है ना। अब हैं इसकी तो सिट्टी पिट्टी गोल हो गई है। अब बाकी पीछे तो बहुत खुशी हो रही है मेरे को अंदर से, ऊंचा रिश्ता है। हाँ जी और कुछ बताओ? नहीं वीडियो मैंने चालू कर ली। ये इनके भैया हैं प्रदीप नागर सर के, और
परिवार से आपको कैसा लग रहा है, मतलब प्रदीप सर कितना अच्छा एक्ट करा उन्होंने? बहुत बहुत बढ़िया, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदीप ने मेहनत बहुत की। जी जी हाँ जी, फर्स्ट टाइम हाईवे उनकी मूवी आई थी वो देखी थी, फिर उसके बाद सावधान इंडिया में उन्होंने भी काफी रोल करे, फिर सीरियल्स में भी स्टार प्लस में भी, भोकाल भोकाल वन में भी थे और भोकाल टू में भी थे। वायरल ये वाली हो गई भोकाल टू ही ना, भोकाल टू में तो मेन उनका ही रोल था, तो वो देखी तो मतलब बिल्कुल एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी उनकी। आपको कैसा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको फील करके? बस हमें भी अच्छा लग रहा है कि मतलब यहाँ पे मेरा लडपुरा ही गाँव है, मेरा भी लडपुरा कासना जहाँ होंडा, तो मतलब मेरे को भी अच्छा लगा कि भाई हमारे गांव से भी ऐसे मतलब अच्छा लग रहा है कि उठ गए हमारा गांव भी। मेहनत देखो, मेहनत हाँ, हर चीज में मेहनत जरूरी है। 2012 से है, कोई भी है वो किसी भी क्षेत्र में कर लो आप, वो बढ़िया काम। हाँ जी, और इसी में प्रदीप ने भी बहुत बड़ी मेहनत करी थी, आज वो सफलता। बाकी हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि मतलब भाई हम ऐसे आए हैं, बाकी तो कोई मिलता भी नहीं है ना। ना ये तो बहुत मैं तो देखते रहता हूँ, जैसे भाई परिवार के हैं तो निकलते बढ़ते रहे हुए हैं। हाँ जी, यहाँ पे बहुत आदमी आए मिलने के लिए, और पुलिस फोर्स से भी बहुत आए, यूपी पुलिस से भी बहुत मिलने के लिए आए, और बाहर से बहुत आए, दिल्ली से अभी एक और आए थे, वो पति पत्नी थे दोनों, वो भी आए थे मिलने के लिए, ऐसे एड्रेस गूगल पर सर्च मार के आए थे। तो प्रदीप उन्होंने सब बढ़िया तरीके से मतलब मिलता है सभी से, और मतलब कोई एटीट्यूड नहीं है कोई किसी तरीके से, बहुत बढ़िया। तो गाइस नमस्ते भैया, हेलो। तो गाइस अभी वो आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो चलो और बताइए। बस से आए आप दिल्ली से? दिल्ली से आए हम। आप उनके भैया ही लगते हो? जी उनके भैया ही हैं। चलो गाइस अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, बिल्कुल ही अभी सर आने वाले हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, पिंटू पहलवान का नाम रहेगा। गाइस चाय चलेगी सर क्या? नहीं नहीं, कहाँ से हो भाई? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी, वैसे सादरा से, पर वैसे ये लड़पुरा से। गाइस आ चुके हैं, आप देख सकते हो योगी दोस्त है मेरा, अच्छा वाला ना। हाँ जी, जो ये दामाद है इनका, तेजपाल जी का, विधायक का, अक्सर मेरे साथ काम चल रहा है, अथॉरिटी का मेरा और उसका ना। हाँ जी, अथॉरिटी में जॉब करता हूँ। सच में सर विश्वास नहीं हो रहा आपके साथ बैठे। अरे विश्वास कर तू, एक और विश्वास कर मेरी जान, तू भाई है। सच में सर बहुत अच्छे हैं, शूट है ना। हाँ सर बहुत अच्छे हैं। हाँ तुम घर के हो, परिवार के लोग हो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो ऐसा ना? मेरा क्षेत्र है पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो मेरा घर है। हाँ जी, है ना, बाकी जयपुर अजमेर बीकानेर इधर गए, जोधपुर गए, तो वो वाला तो खैर प्यार इतना मिला कि शायद जाना मेरे इसलिए जरूरी था कि मुझे पता चले पॉपुलरिटी कहाँ तक फैल गई है। बिल्कुल सर बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें। क्या अच्छा लगा चल बता, तूने देखा शो? बिल्कुल सर। क्या अच्छा लगा सर? एक तो आपकी एक्टिंग उसमें, हाँ मतलब पूरा अपना देसी जो है, अपना देसी कल्चर इतना अच्छा लग रहा है, मतलब कि हमारे देसी कल्चर की भी मतलब मिलियंस में फॉलोइंग हो रही है, 300+ भी। 500 हो गए भाई, 511। हाँ सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए यार। हाँ मौजी भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, कसम से मुझे ये था ना भाई, मुझे तो जिस दिन मेरे जब आपसे बात हुई थी। हाँ मौजी भाई, मेरे कैमरा लगा, बड़े मेरे बड़े। हाँ मैंने बैठ कर ली, और मुझे जो आज एक खुलासा कर देना ऑन है तेरा। हाँ जी, आज एक खुलासा कर देना चाहता हूँ कि ये जो पिंटू डेढ़ा की जो मूछें हैं, ये मेरे चाचा के लड़के मौजी राम हैं, जो बहुत प्यारे और मतलब एक तो वैसे राजा होते हैं सल्तनत से, और उससे हाँ ये दिल का राजा है मेरा भाई। तो इसने जब मैं खेलते कूदते गाँव गली में निकलते थे, हताश होते थे क्योंकि घर परिवार का तो वैसे ही रहा मसला। हाँ जी, कभी कभार जब इनसे बात होती थी तो इन्होंने हमेशा हिम्मत बधाई है कि किसी चीज़ की जरूरत हो, पैसे से इधर उधर कुछ भी हो, सारा चाहे घुस बेच के देना पड़े दे दूंगा मैं, रुकना मत। हाँ तो ये उन साथियों में से 5-7-8 लोग जो हैं मेरे दिल के फेवरेट, बलजीत था, धर्मेंद्र चाचा था मेरा जो दोनों एक्सपायर हो गए, तो उनमें से एक नाम ये भी है भाई, जो 8-10 लोग हैं। तो मूछें जो थी स्पेशली मुझे इनकी इंस्पायर करती थी, कान का और कड़ा था इनके पास एक। अच्छा जी। हाँ तो वो सब भाई का था, मौजी भाई का। तो होता ना आप अपने आसपास के कैरेक्टरों से उठाते हो करते हो। हाँ जी। तो ट्रैक सूट मेरे एक अंकल है, शाम्बीर अंकल हैं, तो वो उनको चलन था ट्रैक सूट पहनने का बहुत ज़्यादा, शिव नरेश के, तो वहाँ से मैंने ट्रैक सूट लिया मैंने किसी इनको ज़रा हिट करते जी।
बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, मतलब मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा अब भी। नहीं यकीन कर मेरे भाई, यकीन कर, बिल्कुल मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पास ही मेरा घर है। ये यहाँ पे घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। हाँ जी, मैं आपके ताऊ जी से भी मिलके आया था अभी। ताऊ तो मेरे, हाँ अच्छा, क्या बोले? क्या उधर वाले घर पे मिलेंगे वो? अच्छा अच्छा, उन्होंने चाय पानी का भी पूछा, बहुत मतलब अच्छे हैं। हाँ वो तो क्या सेल्फ मेड आदमी है, बड़ी मेहनत करी उन लोगों ने ना, कर रहे हैं कोशिश भाई। तो हालांकि मैं कुछ और समझ गया था, कोई और आया, बट आप लोग मिले, अच्छी बात है। नहीं आपको इंस्टाग्राम पे भी करा था ना, मैसेज करा था। हाँ आपसे बात हुई थी, 18 को आ जाना आपको। राइट, क्योंकि शादी है तो मैं पहुंचूंगा। अच्छा अच्छा, 3-4 दिन से तो भाई के साथ में जयपुर में ही गया था। मौजी भाई को देख के याद आया कि रिवाड़ी जाना तो भूल गए आती बार, और जबकि मोहित के याद था वो आती बार वो भूल गया। मोहित के याद था प्रॉपर कि जाती बार वहाँ चलना है और गुड़गांव जाना है, बुआ के वहाँ ना। तो कह रहे लोग कह रहे भतीजा ना हमारा भी आज ही इतने गांव वाले, गुड़गांव वाले ना। अब आप बैठो, क्या चाहते हो, एक मिनट कट कर। तो गाइस आप देख सकते हो ये उनके भैया हैं, और अभी वो अंदर गए हुए हैं, अभी आएंगे। हमने उनके साथ बहुत सारी बातें करी और फोटो वोटो क्लिक करी हैं, तो अभी बस आ रहे हैं वो, बाकी हम इंस्टाग्राम ले रहे हैं इनका। देव शर्मा नाम है मेरा। तो अभी बात करते हैं आपसे, देखो ये खड़े हुए हैं भोकाल के स्टार, मेरे हाथ का अपरे इसमें भी। जब तक सूरज चांद रहेगा प्रदीप नागर सर का नाम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत के लिए, थैंक यू सो मच। तो चलो गाइस अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, सकते हो प्रदीप नागर सर चले गए हैं अभी, बाकी कोई फंक्शन है। हाँ उनके यहाँ कोई फंक्शन है, गाड़ी में आगे बैठ के गए हैं। और गाइस सच्ची में बिलीव नहीं हो रहा भाई, भाई मज़ा आ गया, सच्ची में बिलीव नहीं हो रहा था बिल्कुल भी कि मतलब इतने अच्छे से बात करी इन्होंने हमसे। और इनके पापा जी का भी नेचर बहुत अच्छा भाई, मेरे ना पैर ऐसे ऐसे हिल रहे थे भाई, धक धक हो रहा है। तो भाई सब बस सच्ची में, तो भाई सब बस क्या बताऊँ मैं आपको, इतना मज़ा आ गया ना इनसे मिलके, बहुत अच्छा नेचर था। बस ये चले गए क्योंकि इनके ना यहाँ पे साइड में शादी थी, तो ये वहाँ गए हैं अभी है ना। तो बस बाकी इनका बहुत अच्छा नेचर था, क्यों देव भाई, बस भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। और बाकी ना ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनका फार्म हाउस वगैरह बन रहा है, क्योंकि जैसे जब भी आएंगे तो यहीं रहेंगे जैसे भी है ना। तो गाइस आप देख सकते हो हैं, और हमसे बोला इन्होंने कि मतलब अभी है मिलियन, है मिलियन क्या बिलियन ट्रिलियन जो भी होंगे ना, मैं आपके लिए बिल्कुल वैसा ही हूँ, इन्होंने हमसे डायरेक्ट ये बोला है। तो मतलब अब हम देखो आगे से ही मिलते आते रहेंगे। तो गाइस चलो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। और फोन आया तो प्रदीप तो मिलाना, फिर वो जो से हेलो, फिर मेरी सेल्फी ले गए, फिर उन्होंने प्रदीप के वहाँ भेजने, पापा जी तुम्हारा फोटो बहुत आ रहा कर। तो जब ये ना मिला फिर लोग मेरा ले जाते हैं। हाँ जी, ए सोया नहीं, खेलो। देखो ये उनके पापा हैं, उन्होंने हमारे लिए चाय बनवा दी, हम मना कर रहे थे फिर भी। और ये प्रदीप सर के पापा जी के दोस्त हैं, ये पापा ही समझो ना अभी, पापा ही। हाँ पापा ही समझो। और ये रहा, चाय पी रहे हैं अब बस, फिर अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। गाइस हम यहाँ पे आए थे प्रदीप नागर जी के घर पे, तो उनके पापा जी के दोस्त हैं, हैं वो योग के बारे में मतलब बहुत सारी बातें जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। इनका फेसबुक पेज है, हैं योगानंदम। तो गाइस इनके पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके प्लीज़ 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 इनको फॉलो करें वहाँ से, हैं ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। हैं कोई दिक्कत है वो मेरा ये भी देख सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं, मैं भी उसे इजीली चंद मिनट में बता दूँगा। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, मैं इनके फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ 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 जाके इनको फॉलो करें वहाँ से। और तो गाइस अब हम चल रहे हैं यहाँ से, बाकी ठीक है, ठीक है। अरे कोई नहीं, ये इस चक्कर में मत पड़े कर तू। नहीं तो गाइस देख सकते हो आप, बाकी उनके पापा जी हमें रास्ता बता रहे हैं। अब यहाँ से जाओगे ना पैर ज़्यादा ना, यहाँ से जाओगे तो सीधे आपको रास्ता मिल लिखेगा, जहाँ वहाँ लाल सा लिख रहा है। हाँ जी हाँ जी, सीधे फाटक पर चले जाओ। हाँ जी, फाटक पार करके जो है सीधे आगे जाके जीटी रोड है। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, आपसे मिलने के लिए। हाँ कभी भी फाँ, ठीक है। तो गाइज अब हम उनसे मिल चुके हैं, उनके पापा जी ने जैसा हमें रास्ता बताया, अब हम जा रहे हैं अपने घर। हैं अब रास्ता देखते देखते, लेकिन गाइज नमस्ते जी, ये उनके ताऊ जी गए थे, उनसे बात कर रही हूँ, उनसे बोल रहे मिल गए क्या। हाँ जी मिल गए। तो गाइस अब ये रहे हमारे देव भाई,
इनकी वजह से आज हमारा मिलना उनसे मुकम्मल हुआ। बस भाई मिल गई, किस्मत है हमारी। तो गाइस मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो बस यकीन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, वो हमारे सामने बैठे हुए थे यार, यार गले मिल रहे थे बताओ, है ना। तो चलो अभी हम घर जा रहे हैं, थोड़ी सी बीच में मिलते हैं आपसे। आपने जैसे कि देखा कि हम प्रदीप नागर सर से ऐसे मिले, भाई उनका नेचर मतलब बहुत अच्छा, उनके लिए उनका शब्द मतलब भाई इतने प्यार से मिले जैसे हम उनके मतलब भाई ही हों, है ना। इतने मतलब अच्छे से मिले वो हमसे, उन्होंने हमसे डायरेक्ट ये कह दिया जब हमारे अच्छा जब हमारे ट्रिलियन भी हो जाएंगे ना, जब उनके ट्रिलियन फॉलोवर्स भी हो जाएंगे तब भी वो हमसे ऐसे ही मिलेंगे, मतलब जैसे आज मिले। इतना अच्छा नेचर था, उन्होंने इतने अच्छे से हमसे बात करी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो गाइज अगर आपको अब जैसे कि आपने ये व्लॉग देखा तो गाइज जितना हो सके प्लीज इस वीडियो को उतना शेयर करना है, लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना इस वीडियो को, कमेंट कर देना इस वीडियो के मतलब नीचे, है ना, और सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।